आप और मैं जीवन भर सत्य को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि बोले कोई जन्नत का तालिब है, किसी को स्वर्ग चाहिए, कोई गम से परेशान है, कोई अपने दुख से दुखी है, कोई सुख पाने के लिए जा रहा है, कोई दुख छुड़ाने के लिए जा रहा है। पर कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था छूटना केवल दुख से नहीं है भाई, छूटना तो सुख से भी है। श्री कृष्ण के मिलन में केवल दुख बाधा नहीं है, सुख भी बाधा है। जब श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया और गोपांगनाओं को बुलाया तो कुछ गोपियां अपने प्रारब्ध, दृढ़ प्रारब्ध के कारण नहीं आ पाई। वो प्रारब्ध कैसे थे? वो प्रारब्ध केवल दुख रूप नहीं थे, सुख रूप भी थे। इसलिए मैंने कहा पुण्य नहीं करना है, सेवा करनी है। पुण्य नहीं, पुण्य भी बांध लेगा, पुण्य भी ठाकुर जी से दूर ले जाएगा, पुण्य भी भगवत प्रेम में, भगवत भाव में बाधा बनेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने पाप पुण्य की बात नहीं की, सेवा की बात की, सेवा करना। अरे व्यवहार की बात से ही समझ लो, जो फल पका होता है, मीठा होता है, रसीला होता है। मान लो टोकरी में चार फल रखे हैं, दो कच्चे हैं, एक अधपका है और एक बिल्कुल पका है, मीठा है, रसीला है। आपको सबसे पहले रस निचोड़ना हो तो किसका निचोड़ोगे? पका है उसी का निचोड़ोगे ना। तो संसार तो भाई ऐसे ऐसे फल देखता रहता है, उसको जहां कोई ऐसा रस रस वाला फल दिखता है उसी को पकड़ लेता है निचोड़ने के लिए। जहां तक दृष्टि जाती है, गोस्वामी जी कह रहे जहां लगी गो गोचर मन जाई, जहां तक दृष्टि जा रही है, जहां तक बुद्धि जा रही है, वहां तक केवल ये व्यापार ही तो हो रहा है, केवल लेना और देना ही तो हो रहा है। जबकि सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि लेने वाले भी श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी। यहां कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बहुत विचार कर कहा, ये मनोयोग पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रपंच में मत पड़िए। किसी का काम किसी से नहीं बनता है भाई। अगर ऐसा हो तो फिर तो कर्म का अविचल सिद्धांत ही अमान्य हो जाए। जब गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। और ये कर्म की रेख अगर मिटी भी तो, पहले तो कठिन कुअंक है, ये मिटता नहीं, अगर मिटेगी भी तो कैसे? सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो। कबीर स्पष्ट करते हैं, बोले वो नहीं मिटाएगा। अब ठाकुर जी इस पचड़े में पड़ते ही नहीं भाई। आपको लगता होगा हमारी सुन ली, चल गई दुकान, हमारी सुन ली, लाला है गयो, आपको ऐसे लगता होगा ठाकुर जी ने सुन ली, ठाकुर जी ने सुन ली। ये सब बात उनके कान में पड़ती नहीं, उनको समझ में आती नहीं। उन्होंने तो सृष्टि के लिए एक एक नियम, एक सिद्धांत बनाकर छोड़ दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। बोले हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे भाई, हमारे पास तो कौन आए? जो हमारे लिए, जो हमें चाहता हो वो हमारे पास में आए। आप देखो हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग रही है, कोई कोई मनोरथ का डोरा बांधने जा रहा है, कोई खोलने जा रहा है। प्रभु के पास तो प्रभु के लिए कोई जाए। अब प्रभु के लिए कोई जाए तो फिर कहे, फिर मांगे कि अपने जन का संग दीजिए, अपने जन का सामीप्य दीजिए, अपने जन की सेवा दीजिए। ऐसे ही नहीं दे देंगे ठाकुर जी। अरे भक्त तो भगवान का भी धन होता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। हाँ, पर मैं एक बात आपको अपने अनुभव से कहकर फिर भाव में आगे बढ़ूं कि साधु की ऐसी सामर्थ्य है, सच्चे संत की ऐसी सामर्थ्य है कि वो पतन के गर्त में पड़े हुए जीव को भी उठाकर प्रभु की गोदी में बैठा सकता है। संत की ये सामर्थ्य है।